हेलो दोस्तों, दीपू किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं कटहल की सब्जी। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही में घंटी को दबाएं जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, हमने आधा किलो कटहल लिया है, इसका छिलका हम छील कर रख लिए हैं और छोटे छोटे पीसेज में हम काट लिए हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें डालेंगे कटे हुए कटहल। एक बड़े गिलास से पानी डालेंगे, इसमें हम आधा चम्मच नमक डालेंगे। नमक इसलिए पहले डाल रहे हैं क्योंकि कटहल जल्दी से पक जाए। आधा चम्मच हल्दी पाउडर को हम अच्छे से चला लेंगे और 10 मिनट के लिए हम इसे ढककर इसी तरह छोड़ देते हैं। तब तक के लिए हम इसमें क्या डालने वाले हैं उसे देख लेते हैं। लिया है 3 बड़े साइज के प्याज और 5 मीडियम साइज के टमाटर, छोटा टुकड़ा अदरक, ढेर सारे लहसुन की कलियां। दाल की सब्जी की स्वाद बढ़ाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है हरा धनिया। धनिया डालने से सब्जी का फ्लेवर थोड़ा अच्छा होता है। तो हमने कुछ खड़े मसाला भी ले लिए हैं दोस्तों। यही खड़े मसाला डालने से हमारे सब्जी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये देखिए, 10 मिनट हो भी गया है और कटहल भी अच्छे से बॉयल हो गया है। तो दोस्तों, अब चलिए हम इसका मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। तो देखिए दोस्तों, तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे कूटे हुए खड़े मसाले, इसे हम 2 से 3 सेकंड के लिए भुनेंगे। इसमें हम अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे, इसे भी हम थोड़ा देर भुनेंगे। बाद हम चॉप किए हुए प्याज डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम इन सारी चीज़ों को 2 से 3 मिनट के लिए भुनेंगे। तो देखिए, 3 मिनट हो चुका है और हमारा जो प्याज है ये भी पूरे अच्छी तरीके से गल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से चला लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट। टमाटर और मसालों को पकने के लिए इसे हम 2 मिनट और पकाएंगे, वो भी ढककर। तो ये देखिए दोस्तों, टमाटर, प्याज, मसाले हमारे खूब अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपना कटहल। हम इसे खूब अच्छे से चलाएंगे, तब तक चलाएंगे जब तक कटहल में मसाले खूब अच्छे से मिक्स ना हो जाएं। तो ये देखिए, कटहल में मसाले खूब अच्छे से मिल चुके हैं। अब इसे हम ढक कर 2 मिनट और पकाएंगे। तो दोस्तों, 2 मिनट हो गया है, कटहल और मसाले भी खूब अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो दोस्तों, पानी आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। जिसको ग्रेवी ज़्यादा पसंद हो ज़्यादा डाल सकते हैं, जिसको ग्रेवी कम पसंद हो कम पानी डाल सकते हैं। तो पानी डालकर इसे हम अच्छे से चला लेते हैं। तो दोस्तों, इसे हम 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये देखिए, 5 मिनट हो चुका है। तो हमारा कटहल का सब्जी बिल्कुल एकदम बनकर रेडी है। अब हम इसे सर्व करते हैं। तो दोस्तों, हमने कटहल को फ्राई करके नहीं बनाए हैं, तो इस रेसिपी को एक बार आप सभी लोग जरूर ट्राई करिएगा। तो इसे रोटी या पराठे के साथ जरूर खाइएगा। के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।